जी उसकी आत्मा उस शब्द को सोते जो अंदर करे रास करे हम बिनू बिना गुरु मुक्ति नहीं है किसी भी जीव की। तुम बिना मास्टर बच्चे पढ़ा के देखो बिना स्कूल भेजे आप कहो कि बच्चा दसवीं पास कर दिया अगले कहेंगे लिया सर्टिफिकेट दिखा वो मनिया जाए डॉक्टर देख लो जिनी देर तक हस्पताल की ट्रेनिंग ना लैके पाओ चाहे जिना पढ़ लो डॉक्टर की डिग्री नहीं मिली। इसी तरीके आत्मा का ज्ञान देने वास्ते सब कुछ यदा कदा संसार के जीवन उतारण वास्ते जीवन रहे रास्ते लिया वास्ते आए हूँ यह अगर जीव दिन के तार लैन भी गुरु मिले शब्द खुले और सू सारे सुख मिल जाए तो पुछो संसार जो सुख तुम लेंदे पे सौ तुम दुखी सोडिया इच्छा बनिया ही पी और मन अशांत हो चुका सी एक इच्छा मुक्ति है दूसरी शुरू दूसरी मुक्ति है तीजी शुरू इच्छावान का कोई अंत नहीं जितनिया इच्छा बधाओगे उस चक्कर भी मुक्ति फस जाओ वे गर्व हो जाओ किस तरह गर्व हो गए हम फर्ज करो एक इच्छा वो इच्छा पूरी हो गई फिर दूसरी इच्छा फिर उसके वास्ते साधन जुटाओगे लेकिन अगर तुम मालिक सच्चे की बंदगी दे विच लगोगे तो तुम अपने आप सैटिस्फैक्शन संतोष सबर थोड़े अंदर आए वो है सच्चा नाम नाम के बिना जीव जरा है ना संसार दे विच जलदा नहीं गुरु के चरण के जिस वे जीव पैंदा है तो असली शांति और असली सुख और असली संतोष गुरमुख जीव के वास्ते सच्चा तीरथ की है संतान का संग संतान की बाणी सुननी संतान के सत्संग बैठना संतान के दर्शन करने संतान तो नाम की महिमा की वडियाई सुननी संतान का प्रेम अंदर जागना यह है गुरमुख के वास्ते सच्चा तीरथ। साढ़े कितने कर्म ने तुम जानते हो अस्थूल सूक्ष्म कारण किन्ने किन्ने मोटे कर्म ने सा जीव के वास्ते किया गया संतान सतपुरशा ने फरमाया है कि जीव जे सतगुरु बंदा ना समझ के समझे ना कि यह भगवान है भगवान तो भी उच्चा है जिसका कोई अंत नहीं उसनों आम आदमी ना समझे और एक मालिक सच्चा कुल नूर समझे तो ओदे अस्थूल कर्म जेड़े शरीर के ने ए कटी जाते हैं सारे इतना भावना के सतगुरु के दर्शन के ना जी उन्होंने जीव के अंदर यह भावना आती है कि यह बंदा नहीं है बंदिया मकन बन के आया जी आया जग जगाया उन्हें आके सू जगा वास्ते आया साढ़े वर्गा बन के लेकिन वह आम बंदा नहीं है वह रब है वह नूरा का नूर है वह खुदा है यही अगर असं अकीदा अपने अंदर बन लीए ना यह विश्वास बन लीए तो अस्थूल कर्म जे ने साडे मोटे कर्म क्या मोटे बंधन भक्ति से काट जीने बंधन कटे नाम प्रताप मोटे जब लग जाए नहीं जीने कैसे जाए ता से सब को चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए सतगुरु का प्यार करना सतगुरु के कोल बैठन दिल करना सतगुरु की हथा नाल बावा नाल सेवा करनी और उथे चल के आना यह सारा गुरु भक्ति शामिल है गुरु के बचन मनना और उसके उत्ते अटल खड़े रहना यह सब गुरु भक्ति जिदे नाल अस्थूल कर्म साढ़े कटे जाते और जिस वे असी नाम जपते हाँ अभ्यास करते हैं तो उस वे साढ़े सूक्ष्म कर्म जड़े ने सहस दल कमल के कटे जाते कुछ सतगुरु नाम के कटाता है कुछ सतगुरु जीव के कोलों कटाता है और जेडे कारण के कर्म ने जेडे बहुत ही ज्यादा ने बरीक और पेचीदा और जिन्होंने तुम वजह या पता नहीं पिछा कदों तो कितों तो चलता पे वो कटने साढ़े त्रिकुटी तो पार जिस वे असं कहने जीव आत्मा बन गए यानी जीव प्योर हो गया प्योर किस तरह हो गया कि उसका मन जी कि ओरिजिन त्रिकुटी है उत्थे मन छड़ दिंदा जीव और बिल्कुल निर्मल होके वह फिर उपर रसाई करता है अभ्यास के साढ़े जेडे कारण कर्म ने उत्थे टूट जाते सतपुरश कहते ने भी तेरे कर्मा का लेखा जोखा बंदगी ना मेरी नजर ना मेरी दया ना मेरी दृष्टि ना कटी जाए लेकिन जेड़ा हिसाब किताब तू लैन देन का चुकया है सब का वो तू आप ही भुगतान कर
कोई सतपुरुष इस गल की हामी नहीं भरता कि जो लैन देन का चक्कर है तेरा जीवन के नाल जिवें किसी का देना ही देना है किसी को लेना ही लेना है लैन देन की जो वही खाता है वह तू ही शुरू किया तो वह तू लवे वह जो लेखा जोखा है ना कर्मा का इस यही कारण है कि सत्संगी लोग जी कहते असं नाम जपते हैं सारा वह हो जाता है वह हो जाता है वही वह परसनल अकाउंट है जोड़ा कि उसने खुद और साफ आप करना हूँ जिम्मे तुम अगर फर्ज करो मैं किसी को उधार लैनी तो मैं ही चुकाना इनू कहते लैना यह जरा है सतपुरुष जीव के को खुद भुगतान कराता है यही कारण है कि जीव के उत्ते कई बार अचानक कई किस्म दीलावा हो जाती है कई किस्म के सतपुरुष हुक्म वरतांदा है कई किस्म के भाने वरतद है वह की है कि सतपुरुष की दिव्य दृष्टि इतनी दूर दराज की है कि कोई पता नहीं कि कर्म जरा कि जीव सचखंड के ले जाने वास्ते और उस हिसाब किताब का क्लीयर करने वास्ते वह कर्म का भुगतान जीव का इस शरीर के करा ये भी सतपुरुष की बड़ी दया रहमत और बड़ी इनायत होगी कहते ने एक गुरमुख जीव के वास्ते सच्चा तीरथ की है सतगुरु के दर्शन वो सतगुरु के जीव जब दर्शन करता है क्योंकि सतगुरु उच्च कोटि सचखंड के उत्ते बैठा है तो वह सारा फल उस जीव को मिल जाता और नाम जपता है सिमरन करता है अभ्यास करता है वो अपने कर्मों की कटौती करता है और अभ्यास और सिमरन के नाल जेडे उहदे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष किसी नूं खुश देख के जलना किसी की तरक्की देख के जलना यह जेडे विकार मनुष्य ने इन्हां नूं कमजोरियां कही जांदियां ने यह उहदियां अपने आप छड़नियां शुरू हो जांदियां उस नूं कहिंदे ने गुरमुख ने सच्चा तीर्थ पा लिया क्योंकि जब साडे अंदर विकार ही नहीं गए तो नाम के नाल सानूं तीर्थ का फल की मिल जाएगा जे साडे अंदर झूठ बोलने की भी आदत हो जाए काम भी उसका है क्रोध भी उसका है लोभ भी उसका है अहंकार भी उसका है द्वेष भी उसका है तो वह तीर्थ कहदा तीर्थ वह है जिसने भी सच्चा नाम जपया जाए और मालिक सच्चा याद आए और जिहड़ियां कमजोरियां सानूं खिचदियां थले नूं तुहानूं पता है आत्मा साडी नूं काल चक्कर दे विच पिंड देश दे विच आ के ते मन दे काबू आई और मन जिहड़ा साडा इंद्रियां दे काबू आया यही कारण है कि असि संसार दुखी है अगर इो आत्मा असि मन के चुगली चो कढ लईए तो आत्मा का जिहड़ा कर रहे तीसरे दिल तो अपनी रसाई उत्ते करे हो क्योंकि वह तो अपने घर ही जाना चाहे हूँ तुम इतने बैठे हो चाहे कि नहीं सत्संग करिए भजोगे अपने घर इस तरह सुन हूँ जिन्हें मेरे मैं भाई रखे मैं कम करता है जिसमें सत्संग खत्म तुम अपने अपने घर इस तरह ही यह सूरत जी है मन के काबू चाहिए हूँ इस किस तरह कटिया जाए जिस तरह तुम सत्संग बैठे हो इस तरह ही उस सूरत सत्संग मिले सतगुरु महापुरुष मिले जिसकी सोहत आके पावरफुल हो गए ताकत पकड़े क्योंकि गुलामी बड़ी बुरी चीज है जे असी किसी की गुलामी करते हैं तो पता है वो अपनी कॉन्शियस डेड हो जाती है मिल हो जाती है वो सिफर से आ जाता है बंद लेकिन अगर असी कोई उपरी पावर सानू सपोर्ट मिले पिछों साडी विल पावर बच जाती सानू किसी ने अच्छा और बुरा बुरा कह दी हिम्मत आ जाती है अंदर वो की शक्ति सतपुरुष और उसका नाम जो असी जपते उस दे नाल सुरत जिहड़ी है बलवान होंदी है और बलवान होके उस नूं अपना घर याद आउंदा सीधा अपने नौ दरवाजा ते शाम छड्ड दिंदी है जिहड़े सानूं असल बच्चे अच्छे लगते ने बाहर दे रस अच्छे लगते ने झूठे